भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों और अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें आगामी 17 और 18 फरवरी से हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल की होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी हरि भुवन सिंह तोमर, एडीएम सहित अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि नकल को रोकने और शांतिपूर्वक परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और सभी के सहयोग से सफल परीक्षा संपन्न कराना चाहता है। संवेदन और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से खास निगरानी रहेगी और परीक्षार्थियों को भी सुबह 8:30 बजे पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी पूर्व में नकल कराने से जुड़े हुए और एक्टिव माने गए हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी परीक्षा केंद्र पर यदि नकल जैसी शिकायत मिलती है तो उसके केंद्राध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी जगहों में क्लासरूम्स में जहां परीक्षा लिखेंगे वहां सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है, जिसका दो जगहों में उसका व्यूविंग किया गया है। एक कंट्रोल रूम वहाँ प्रत्येक केंद्र में बनाया गया है और दूसरा यहाँ एक कंट्रोल रूम यहाँ इधर केंद्र में बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक 3 स्कूल्स का जो सीसीटीवी कैमरा है उसका यहाँ से वो व्यू करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अभी एसपी साहब से बात हुआ है, अर्बन एरिया में कुछ चिन्हित एरिया में ड्रोन्स के माध्यम से भी हम इसका निगरानी रखने जा रहे हैं, जो परिसर के जो बाहर वाला जो व्यवस्थाएं के लिए कई एक्सेस का व्यवस्था है। तो सभी 60 सेंटर की मान के चलते हैं और 60 को ही हम पूरा टारगेट बना रहे हैं। पूरे 60 केंद्र हम संवेदनशील मानते हैं। जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारे लिए भिंड में पूरे 60 सेंटर है ना संवेदन और अतिसंवेदनशील हैं, तो हम तो उसी के हिसाब से हमने तैयारी की है और बिल्कुल जो है आपसे हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे हमने 20 में परीक्षा कराई थी उससे भी बेहतर परीक्षा हम कराएंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल जैसे अभी टीएलआईआर राजा साहब का नाम लेते हैं, ऐसे डॉक्टर सतीश एस सर का नाम आप लेंगे। सरकारी की है, दिन रात रात भर हम लोगों ने मेहनत की है और हर केंद्र में लाइव कैमरा चलाने की, ई गच्छ से जोड़ने की, हार्ड डिस्क उपलब्ध कराने की, मतलब हार्ड डिस्क पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी उसमें, मतलब हम बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि आप ब्लॉक में जैसे लार जा रहे हैं तो लार हमारे एमआईएस सेंटर पे आप देखेंगे, वहां से आप फोटो ले सकते हैं। भिंड से ईएमएस टीवी के लिए अमरकांत सिंह की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।